नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपकी अपनी लाइफ डिजाइनर जीतू आचार्य। खरमास का महीना, यानी जिस महीने में कहा जाता है कि कोई भी शुभता के कार्य नहीं किए जाते, शादी विवाह मुंडन सेरेमनी नया ग्रह प्रवेश और खास करके नया काम खोलने जा रहे हैं तो उसका मुहूर्त, ये सारी चीजें खरमास में नहीं की जाती है। अब ये खरमास का महीना किस तारीख से शुरू हो रहा है, किस तारीख तक जाएगा और तिथि कितने बजे से लग रही है? कहते हैं कि जब उदया तिथि से लेकर उदया तिथि तक का प्रावधान है, यानी दूसरे दिन का जब तक सूर्य उदय नहीं होता है तब तक कंप्लीट तिथि मानी जाती है। अब ये तिथि की जब हम बात करते हैं तो जो 14 तारीख को सुबह तिथि शुरू हो रही है वो खरमास की तिथि में आ जाएगा, यानी जब ये तिथि अगली सुबह यानी 15 की सुबह होगी, 15 की सुबह सूर्य उदय से पहले तक की तिथि मानी जाएगी। इसीलिए कहा जा रहा है कि जो खरमास का जो समय है वो 14 दिसंबर से शुरू हो जाएगा, 15 तारीख की सुबह लगभग 27:42 मतलब अर्ली मॉर्निंग के 3:42 3:42 का समय जो अर्ली मॉर्निंग का होगा, ये 15 तारीख की सुबह का समय है जहां सूर्य धनु राशि में प्रवेश करेंगे, जहां से खरमास एग्जैक्टली शुरू होता है। लेकिन जब तिथि की बात आ रही है तो 14th की तिथि सुबह सूर्य उदय से लेकर के 15 की सुबह सूर्य उदय के बीच में ही ये बदलाव सूर्य का धनु राशि में हो जाएगा। धनु राशि यानी सूर्य की मित्र की राशि है जहां ये सूर्य प्रवेश करेंगे और फिर मकर राशि में 1 महीने के बाद ये सूर्य जो है मकर राशि में प्रवेश करेंगे, जो कि 14 जनवरी का दिन होगा। 2022 नए साल में एंटर कर चुके होंगे और वो समय होगा 2:29 दोपहर का, यानी 2:29 दोपहर के होंगे जब ये सूर्य धनु राशि में रहेंगे और वहां से निकल करके ये मकर की राशि में प्रवेश करेंगे। अब आते हैं बात के ऐसे समय पे क्या चीजें करनी चाहिए हमें और क्या चीजें जो है वो नहीं करनी चाहिए। जैसा मैंने शुरुआत में ही बताया कि शुभता के कार्य इस समय नहीं किए जाते हैं, पूजा पाठ जप तप दान के कार्य किए जाते हैं। अब पूजा पाठ जप तप दान में बहुत सारे अनुष्ठान हैं, कई तरीके के पूजा का प्रावधान है, लेकिन कुछ इम्पोर्टेंट पूजाएं होती हैं जो हमें जरूर करनी चाहिए। अब सबसे पहली बात आती है कि क्या नहीं करना चाहिए। तामसिक भोजन इस समय नहीं करना चाहिए, यानी नॉन वेजिटेरियन का फूड आपको नहीं खाना चाहिए और साथ के साथ मांस मदिरा नहीं पीनी चाहिए। आपको सात्विक रहना चाहिए। पूजा पाठ जप तप जब भी आप कर रहे हैं तो काले वस्त्रों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। किसी को अपशब्द नहीं करने चाहिए, कहने चाहिए। दिन में ज्यादा शयन या ज्यादा सोना नहीं होना चाहिए, यानी वही एक तरफ कहा जाता है कि सूर्य की गति जो होती है इस महीने में काफी धीमी होती है, इसीलिए सूर्य को बल देने के कुछ कार्य करने चाहिए, ना कि आपने आराम से सोते रहना है और उल्टा जो है आपने अपनी एनर्जी को लो नहीं करना चाहिए। अब क्या चीजें आपको करनी चाहिए, खास करके क्या क्या नहीं करनी चाहिए, क्या करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, आपने शुभ कार्य नहीं करने चाहिए। शादी विवाह मुंडन सेरेमनी और खास करके गृह प्रवेश, नया काम आप शुरू करने जा रहे हैं, नए घर में प्रवेश करने जा रहे हैं, तो ये सारी चीजें इस समय नहीं करने चाहिए। आपको बच्चे का नामकरण करना है तो तब भी ये समय टाल देना चाहिए। ये समय सिर्फ और सिर्फ पूजा भक्ति करनी चाहिए, ये समय जप तप और दान करना चाहिए। दान का जितना ज्यादा इस समय महत्व होता है वो आपके जीवन में बहुत ही अच्छे अच्छे रास्ते बनाता है। देव गुरु बृहस्पति की राशि में सूर्य का प्रवेश होना ये अद्भुत योग संयोग होता है। ये होता है सिर्फ और सिर्फ आपकी पॉजिटिव एनर्जीज बढ़ाने के लिए। ये समय होता है जहां नेगेटिव थॉट्स को छोड़ करके सिर्फ और सिर्फ अपने कर्मों को स्ट्रेनलाइज करने का समय जो होता है, जैसे अपने कर्मों के अंदर एक वृद्धि करने का समय होता है, अपने कर्मों को इनहेंस करने का समय होता है। तो इस समय आपको खास करके इस महीने में जो कि 14 दिसंबर से 14 दिसंबर से शुरू हो रहा है और 14 जनवरी तक ये महीना रहने वाला है, इस पीरियड के दौरान
हमेशा आपको अच्छे थॉट्स लाने चाहिए, अच्छी चीजें सोचनी चाहिए, अच्छे विचार लाने चाहिए, अच्छे कर्म करने चाहिए, अच्छी चीजों की तरफ अपना रुझान रखना चाहिए, कुछ क्रिएटिव कर्म पूजा पाठ करते हुए घर में बैठ करें कुछ नए क्रिएटिव काम की तरफ आप अपना रुझान कर सकते हैं, कुछ सोच सकते हैं, न्यू आइडियाज आप अपने डेवलप कर सकते हैं। जैसे ही खरमास कंप्लीट होता है, खत्म होता है, उसके बाद उन सारे कार्यों को आप कर सकते हैं। यानी प्लानिंग जो होती है वो आपको पहले ही करनी चाहिए और उसके बाद इसको प्रैक्टिकली अच्छी चीजें आपने करते रहना चाहिए। शुभ कार्यों की जब बात आती है, खास करके पूजा पाठ का खास महत्व होता है। अगर आप पूजा एक समय करते हैं तो पूजा का समय आपको बढ़ा देना चाहिए। सुबह और शाम की पूजा तो बहुत ही वैसे भी बहुत महत्वपूर्ण होती है, लेकिन खरमास में कहा जाता है कि डबल गुना लाभ मिलता है अगर आप एक टाइम पूजा करते हैं तो दो टाइम का लाभ मिलता है। यानी अगर आप सुबह की पूजा कर रहे हैं तो आपको शाम का भी लाभ मिल रहा है, लेकिन अगर आप शाम की सोचिए पूजा कर रहे हैं तो सुबह और शाम का हो गया, तो चार गुना लाभ आपको मिल जाता है जब आप खास करके खरमास के समय पूजा पाठ भक्ति दान का भी सेम ही प्रोसेस रहता है। जब आप दान करते हैं तो ये दान का फल आपको बहुत अच्छे से मिलता है। बच्चों को सही राह कर एक दान की प्रक्रिया समझाने का यही समय होता है, जब कहा जाता है कि इस पीरियड के अंदर अगर आप बच्चों को इन सारे रिचुअल्स के अंदर डालते हैं तो आपके बच्चों के अंदर एक अलग ही एनर्जी आती है, बहुत ही पॉजिटिविटी आती है। एक तो उन्हें एक अच्छे कर्म करने का रास्ता मिलता है, प्लस उनकी खुद की एनर्जी जो है वो बहुत ही पॉजिटिव होती है। पुण्य कर्म की तरफ जाने वाला रास्ता आप अपने बच्चों को दिखाते हैं, जिससे आपके बच्चे एक सही दिशा का चुनाव अपने जीवन में कर सकते हैं। पढ़ाई की बात आती है, जो बच्चे नहीं पढ़ते हैं, कहा जाता है कि ऐसे में उन बच्चों के कानों में अगर मंत्र ध्वनि जाती हो, जैसे पेरेंट्स अगर के मंत्र का उच्चारण आवाज के माध्यम से या फिर घर में किसी भी ऑडियो के माध्यम से अगर आप मंत्र उच्चारण लगाते हैं, वो मंत्र का उच्चारण आपके बच्चों के कानों तक जरूर पहुंचना चाहिए, क्योंकि जहां श्रवण शक्ति बढ़ती है वहीं आपके अंदर इनर शक्तियां जो है वो बढ़ना शुरू हो जाती हैं। तो अपने घर का जो एटमॉस्फेयर है, जो वातावरण है, वो आप हमेशा शुभता की तरफ बनाएं, शुद्धता की तरफ बनाएं। और ये जो महीना होता है जहाँ एक तरफ सूर्य की गति धीमी गति होती है, वही सारे जो जितने भी भूमिका होती है ग्रहों की, वो आपको यही बार बार इंडिकेट करती है कि आप अपने कर्मों की तरफ थोड़ा सा अग्रसर होकर के अपने जीवन में सुधार की गुंजाइश जरूर लेकर के आए। बहुत सारी चीजें होती है, कई बार हम चाहते हैं कि हम अपने सही समय पर कर सकें। अगर आपको जरा सा भी अपने कर्मों को इनहेंस करना है, अपने पॉजिटिव ऑरा को बढ़ाना है, अपनी सारी नेगेटिविटी को बस्ट करना है, तो खरमास का महीना सबसे उत्तम महीना माना जाता है पूजा का, भक्ति का, जप का, तप का, दान का और कल्याण का। अगर जहां पूजा पाठ जप तप दान होता है वहीं आपका कल्याण होता है। तो इसीलिए खरमास में खास करके शादी विवाह मुंडन सेरेमनी इस तरीके के रिचुअल्स नहीं किए जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ की जाती है तो भगवान की भक्ति। हाँ, ये महीना जो होता है जहाँ सिर्फ और सिर्फ हमें सूर्य की आराधना सबसे ज्यादा बढ़ा देनी चाहिए, यानी सूर्य के मंत्रों के जाप करने चाहिए, सूर्य को जल रेगुलर में देते रहना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ सैटरडे छोड़ करके आप पूरा महीना सूर्य को जल दे सकते हैं। आपने सूर्य उदय से पहले उठना है, सूर्य उदय से पहले उठकर के स्नान करना है, ताकि आपके पास आपके अंदर एक एनर्जी, एक ऑरा, पॉजिटिव ऑरा हमेशा बना रहे। आपने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपने इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करनी है। माना हम लोग शुभ कार्य नहीं कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे कार्य कर सकते हैं जिससे पूरा साल आपके घर में, आपके जीवन में शुभता और शुद्धता बनी रहे। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। मेरी अगली वीडियो को आप इंतजार कीजिए, तब तक के लिए नमस्कार।